नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आधुनिकता के इस दौर में हमें सोशल मीडिया में जो भी दिखता है हम उसे सच समझ बैठते हैं। चाहे कोई खबर या जानकारी कितनी भी गलत क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपको सोशल मीडिया में दिखी है तो एक बार के लिए हर कोई उसे सही समझता है, क्योंकि आजकल किसी के भी पास इतना समय नहीं है कि वो उस खबर या जानकारी की गुणवत्ता की जाँच करे। इसी के चलते कई बार लोगों के साथ फर्जीवाड़ा भी हो जाता है, और अब ये फर्जीवाड़ा करने वालों का स्तर इस कदर बढ़ गया है कि पहले तो फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाया जाता था, लेकिन अब लोगों के व्हाट्सएप तक में फर्जी मैसेज आने लगे हैं और लोग इस जाल में फंस भी जाते हैं, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा करने वाले लोग बड़ी ही चालाकी से आम इंसान को अपना शिकार बनाते हैं। कभी नौकरी देने का झांसा दिया जाता है, तो कभी मुफ्त या फिर सस्ते दाम में कोई चीज़ पाने का लालच दिया जाता है। आजकल भी व्हाट्सएप में एक लिंक बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। इस लिंक के साथ एक मैसेज भी आ रहा है जिसमें लिखा है कि भारत सरकार प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत देश के सभी बेरोजगार युवाओं को 3,500 रुपये हर महीने भत्ता दे रही है। अगर आप भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें। लेकिन ये मैसेज और ये लिंक पूरी तरह से फर्जी है। सरकार ने खुद इस बात को स्पष्ट किया है कि सरकार ऐसी कोई भी योजना नहीं चला रही है और ये मैसेज पूरी तरह से फर्जी है। अब कई लोगों को ये लग रहा होगा कि उस लिंक पर मात्र एक क्लिक से आपके साथ क्या ही धोखाधड़ी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस लिंक पर क्लिक करने से कई प्रकार से आपको ठगा जा सकता है। या तो इससे आगे कुछ ऐसी जानकारी मांगी जाएगी जो ऐसे ही किसी को प्रदान नहीं की जानी चाहिए, या फिर आपसे इस बेरोजगारी भत्ते का लाभ पाने के लिए कुछ रुपये भी मांगे जा सकते हैं, और या तो फिर आपके फोन को हैक करके आपकी निजी जानकारी ली जा सकती है। इन सब से बचने के लिए आप सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ऐसे मैसेज की गुणवत्ता को जांच लें और बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। साथ ही ऐसे किसी भी मैसेज को फैलने से रोकने में अपना योगदान दें, और जैसे ही आपके पास ऐसा कोई फर्जी मैसेज आ रहा है तो उसे किसी और व्यक्ति को ना भेजें और फौरन डिलीट कर दें। तो ये थी कुछ खास जानकारी ऐसे मैसेज के बारे में या इस तरह की जानकारियों के बारे में जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो हम भी आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपके पास इस तरह का कोई फर्जी मैसेज या लिंक आता है तो उस पर जल्दीबाजी में क्लिक ना करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो इस खास जानकारी में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ, और हम वादा करते हैं कि इसी तरह की खास जानकारियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।